सब्सक्राइब कीजिए ऑटम अप टेक को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ऑटम अप टेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्ड फ्री स्टाइल और हुंडई i20 एक्टिव के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है जो आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर बाइंग फ्री स्टाइल या बिफोर बाइंग i20 एक्टिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्ड फ्री स्टाइल के बारे में। तो फोर्ड फ्री स्टाइल फीगो से डिराइव की गई कार है, लेकिन इसमें सस्पेंशन सेटअप जो है वो चेंज किया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है और क्लैडिंग्स ऐड की गई है और साइड में जो है वो ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं और इस कार को क्रॉसओवर बनाया गया है, क्रॉसओवर सेगमेंट में लाई करती है जिससे ये ड्राइवर ओरिएंटेड बन जाती है, यानी कि जो ड्राइवर एंथुजियास्ट होते हैं इनके लिए ये कार बनाई गई है। वही i20 एक्टिव को भी i20 से ही डिराइव किया गया है जिसमें क्लैडिंग ऐड की गई है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है और दोनों ही कार अग्रेसिव लुक देती है। इसके मेजर डिफरेंसेस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस है इंजन में। फोर्ड फ्रीस्टाइल का डीजल इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन 99 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है और वही i20 एक्टिव का 1.4 लीटर डीजल इंजन 89 BHP का पावर जनरेट करता है। 10 BHP के पावर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी फोर्ड फ्रीस्टाइल में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और वही i20 एक्टिव में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। पेट्रोल इंजन की ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि 1.2 लीटर ड्रैगन सीरीज पेट्रोल इंजन जो फोर्ड फ्रीस्टाइल में यूज किया गया है वो काफी नया इंजन है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस इंजन का और वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और प्रोड्यूस करता है 94 BHP और वही i20 एक्टिव का 1.2 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता है 82 BHP। तो पावर डिलीवरी फोर्ड फ्रीस्टाइल की ज़्यादा है या तो पेट्रोल हो या डीजल हो। सेकंड डिफरेंस है हेडलैम्प्स। फोर्ड फ्रीस्टाइल में हेलोजन स्मोक्ड ब्लैक्ड आउट हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो हेलोजन है कन्वेंशनल हेलोजन हेडलैम्प्स है। वही i20 एक्टिव में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स है विद DRLs भी टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है। तो फोर्ड फ्रीस्टाइल में ये आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको पसंद है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो ये एक ड्रॉबैक है फ्रीस्टाइल का जो फोर्ड ने इस पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRLs नहीं दिए हैं। थर्ड डिफरेंस है टायर्स का। फोर्ड फ्रीस्टाइल में 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और वही i20 एक्टिव में मिलते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स। अब ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि 1 इंच में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 15 इंच के अलॉय व्हील क्रॉसओवर कार में इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से सही है और 16 इंच के अलॉय व्हील्स i20 एक्टिव में भी सही है। फोर्थ डिफरेंस है सेफ्टी का। हाँ, फोर्ड फ्रीस्टाइल सेफर कार है देन द i20 एक्टिव। फोर्ड फ्रीस्टाइल के हर एक वेरिएंट में ABS, EBD और ड्यूल एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड मिलते हैं और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं और टॉप टर्म इसका आ जाएगा 10 लाख के अंदर। हालांकि ये कार लॉन्च नहीं हुआ है, प्राइसिंग इसकी पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेंज हमें बताई गई है उसमें जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 10 लाख के अंदर ऑन रोड आ जाएगा विथ 6 एयरबैग्स, ESP, एक्टिव रोल ओवर प्रिवेंशन जो फोर्ड कहती है, इन सब फीचर के साथ फोर्ड फ्रीस्टाइल की टॉप ट्रिम भी 10 लाख में आ जाते हैं। और वही i20 एक्टिव में ABS भी मिड वेरिएंट से स्टार्ट होता है जो स्टैंडर्ड नहीं है और 4 एयरबैग वाला जो वेरिएंट है वो 11 लाख तक ऑन रोड पहुंच जाता है, जो SX वेरिएंट है i20 एक्टिव का। फिफ्थ डिफरेंस है प्राइस का। जो 6 to 9 lakhs प्राइस है फोर्ड फ्रीस्टाइल की और i20 एक्टिव की प्राइस है 7 to 11 lakhs, ऑल प्राइजेस आर एक्स शोरूम। लेकिन फोर्ड फ्रीस्टाइल की एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी तक लॉन्च नहीं हुई है तो पता नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स हमें मिली है उसमें 6 to 9 lakhs मेंशन किया गया है इसकी जो रेंज होगी वो। तो i20 एक्टिव से इसकी प्राइस ज़्यादा कम है और फीचर्स सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और बाकी सारे जो फीचर्स मैंने बताया सिवाय टायर्स वाला और हेडलैम्प्स वाला ड्रॉबैक, तो ये काफ़ी बेहतर कार बन सकती है i20 एक्टिव से। एक बोनस डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ टच स्क्रीन का। 6.5 इंच का टच स्क्रीन फोर्ड फ्रीस्टाइल के मिड वेरिएंट से मिलता है और वो काम करता है फोर्ड सिंक 3 के ऊपर, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अच्छा है इस सेगमेंट में और जो भी टच स्क्रीन अवेलेबल है मारुति की और Hyundai की कार्स में उससे काफ़ी बेहतर है फोर्ड सिंक 3 वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये थे 5 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन i20 एक्टिव एंड फोर्ड फ्रीस्टाइल। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं फोर्ड फ्रीस्टाइल के वेरिएंट्स वाइज फीचर्स बताने वाला था, लेकिन somehow मैंने ये वीडियो बना लिया है। तो अगर आप चाहते हैं फोर्ड फ्रीस्टाइल के वेरिएंट्स वाला वीडियो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्च होने के बाद मैं वो वीडियो बनाऊं तो भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।